ये वाली बिल्डिंग है सांगोला नगर परिषद सांगोला। तो इसका कुछ ओवरऑल नज़ारा इस तरीके से है गाइस। ये है सांगोला का रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा। सांगोला फेमस है अनार के उत्पादन के लिए, तो ये कुछ अनार के बॉक्सेस है। तो ये पूरी ट्रेन अनार से फुल होकर यहाँ से दिल्ली की ओर जाएगी गाइस। तो इसको किसान ट्रेन ऐसे कहा जाता है। ये है मान नदी जो कि सांगोले के करीब से बहती है गाइस। काफ़ी खूबसूरत सा व्यू आ रहा है गाइस, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ये मान नदी का व्यू काफ़ी फुल है गाइस। सांगोला का मार्केट एरिया काफ़ी बड़ा है गाइस, आप लोग मेरे बैक साइड देख सकते हो। ये कुछ ओवरऑल शॉप का नज़ारा इस तरीके से आ रहा है। ये इस साइड भी शॉप है, काफ़ी बिग मार्केट है गाइस यहाँ पे सांगोला सिटी की। और ये मेरे बैक साइड में है सांगोला बस स्टैंड एरिया का नज़ारा। हेलो गाइस, माय सेल्फ राज तांबोली एंड वेलकम टू माय चैनल हॉक ट्रैवलर। गाइस आज हम लोग जा रहे हैं सोलापुर के सांगोला तालुका ये प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। और अभी मैं हूँ सोलापुर के भैया चौक के एरिया में। तो ओवरऑल कुछ नज़ारा इस तरीके से है गाइस। ये सड़क जाती है सोलापुर के बस स्टैंड की ओर और ये सड़क जाती है सोलापुर के रेलवे स्टेशन की ओर। और ये मेरे बैक साइड में आप लोग जो देख रहे हो ये सड़क जाती है मंगलवेड़ा से होते हुए सांगोला की तरफ। तो चलते हैं गाइस, आज हम लोग एक्सप्लोर करते हैं सांगोला तालुका प्लेस को, लेट्स गो। गाइस जैसे हम लोग सोलापुर से अभी आए हुए हैं तो जैसे हम लोग मंगलवेड़ा से आगे आते हैं तो हमको सांगोला रूट पे वाड़ेगांव ये गांव लगेगा। और उस गांव के आगे आते ही ये खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलेगा जो कि मेरे बैक साइड आप लोग देख सकते हो। ये है मान नदी जो कि सांगोले के करीब से बहती है गाइस। ये नदी का नाम मान नदी है गाइस। इसका ओवरऑल नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और यहाँ पे नया ब्रिज बनाया गया है गाइस इसी मान नदी पे, देख सकते हो आप बैक साइड पे। काफ़ी फुल है गाइस यहाँ पे रिवर, आप लोग देख सकते हो इस साइड भी मान नदी का नज़ारा। ये सातारा डिस्ट्रिक्ट से बहती हुई आती है गाइस। ये कुछ ओवरऑल नज़ारा यहाँ से दिखता है मान नदी का। और इस साइड पे नया वाला ब्रिज बनाया गया है और ये रूट है सांगोला की तरफ, वो वाला ब्रिज भी जाता है सांगोला रूट की तरफ। काफ़ी खूबसूरत सा व्यू आ रहा है गाइस, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये मान नदी का व्यू। काफ़ी फुल है गाइस, बहुत ही बेस्ट नज़ारा आ रहा है गाइस। ये देख सकते हो आप, पंछी भी यहाँ पे तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, देख सकते हो गाइस मेरे बैक साइड पे। तो ओवरऑल नज़ारा कुछ यहाँ का इस तरीके से आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत लगता है गाइस यहाँ से ये सब कुछ नज़ारा। और ये वाली सड़क ये आती है मंगलवेड़ा से, सोलापुर मंगलवेड़ा इस साइड से, और ये वाली सड़क जाती है सांगोला की तरफ। तो ओवरऑल नदिया का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखता है गाइस, आप लोग देख सकते हो इस साइड का भी। गाइस जैसे हम लोग मंगलवेड़ा से सोलापुर की ओर से मंगलवेड़ा की तरफ से आते हैं तो ये वाली सड़क बैक साइड से सोलापुर की ओर से आती है गाइस। और ये कुछ नज़ारा मेरे बैक साइड में आप लोग जैसे ही दिख रहा है, ये मेरे बैक साइड में ये नज़ारा है सांगोला टाउन के अंदर एंट्री करते वक्त। जैसे हम लोग सोलापुर से अंदर आते हैं तो ये वाला सर्कल हमको लगेगा। ये सर्कल का नाम पाटिल चौक ऐसे है गाइस। और ये वाली सड़क है, ये वाली आती है सोलापुर की ओर से और ये वाली सड़क है, ये वाली जाती है पंढरपुर की ओर। और ये मेरे बैक साइड पे जो सड़क है गाइस ये जाती है कोल्हापुर रत्नागिरी इस साइड। तो ये ओवरऑल पाटिल चौक का नज़ारा कुछ इस तरीके से है गाइस। सांगोला सिटी में आने के लिए, सोलापुर से आने के लिए दो तरह के सड़क मिलेगी गाइस, एक मंगलवेड़ा से होते हुए और एक पंढरपुर से होते हुए। तो जैसे हम लोग सांगोला में आते हैं तो कुछ ये पाटिल सर्कल का नज़ारा ऐसे दिखाई देता है गाइस। गाइस जैसे हम लोग वो पाटिल चौक से ऊपर आते हैं सांगोला बस स्टैंड की ओर की तरफ, एक्चुअली वो पाटिल चौक को वाड़ेगांव नाका चौक ऐसे भी कहा जाता है गाइस, वो वाले चौक से जैसे हम लोग आगे आते हैं तो ये वाला सर्कल हमको दिखाई देता है। ये सर्कल का नाम है शहीद अब्दुल हमीद चौक, ऐसे ये सर्कल का नाम है गाइस। ओवरऑल ये सर्कल का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखता है गाइस। ये वाली सड़क है, ये वाली पंढरपुर सोलापुर की तरफ जाती है और ये वाली सड़क यहाँ से हम लोग जाते हैं कोल्हापुर की ओर और वैसे ही आगे रत्नागिरी वगैरह जा सकते हैं। और ये वाली सड़क जाती है जत ये साइड की तरफ। तो ओवरऑल शहीद अब्दुल हमीद चौक का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखता है।
सांगोला टाउन में। ये मेरे बैक साइड आप लोग देख सकते हो गाइस। गाइस ये शहीद अब्दुल हमीद चौक का नज़ारा कुछ इस तरीके से है गाइस। ये बैक साइड पे हमको कुछ शॉप्स वगैरह दिखेगी इस साइड पे। ये ऐसे यहाँ का ओवरऑल नज़ारा है गाइस। ये आप लोग देख सकते हो मेरे बैक साइड पे गाइस। जैसे हम लोग शहीद अब्दुल हमीद चौक की तरफ से ऊपर आते हैं तो ये कुछ बैक साइड पे सांगोला का बस स्टैंड का नज़ारा ऐसे दिखेगा गाइस। और आउट ऑफ बस स्टैंड का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे ऐसे शॉप्स वगैरह है। और जैसे आप लोग बाय बस आते हो तो इस वाले साइड को आपको सांगोला का बस स्टैंड का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये कुछ एरिया का नज़ारा इस तरीके से है गाइस। आप लोग देख सकते हो ये सांगोला बस स्टैंड एरिया के पूरा बाहर का नज़ारा इस तरीके से दिखता है गाइस। और ये मेरे बैक साइड में है सांगोला बस स्टैंड एरिया का नज़ारा। और इधर भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह है। यहाँ पे ये सब मार्केट का एरिया है गाइस। कुछ इस तरीके से आप लोग बाय बस आते हो तो ये नज़ारा कुछ बस स्टैंड का इस तरीके से है। और ये वाली सड़क है ये जाती है कोल्हापुर रत्नागिरी इस साइड पे। और ये वाली सड़क लेकर हम लोग पंडरपुर सोलापुर ये साइड पे जा सकते हैं गाइस। तो ओवरऑल ये पूरा यहाँ का नज़ारा इस तरीके से दिखता है गाइस। आप लोग देख सकते हो मेरे बैक साइड पे गाइस। सांगोला सिटी के अंदर आने के बाद हमको यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज चौक ऐसे सर्कल लगेगा गाइस। ये मेरे बैक साइड आप लोग देख सकते हो। ये कुछ ओवरऑल नज़ारा छत्रपति शिवाजी महाराज सर्कल का चौक का ऐसे दिखता है गाइस सांगोला टाउन में। और यहाँ पे बैक साइड पे आप लोग देख सकते हो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू यहाँ पे लगाया गया है गाइस। और यहाँ पे ये बैक साइड पे डेवलप्ड स्टैचू यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा कुछ दिनों में। तो अभी कुछ नज़ारा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सर्कल का इस तरीके से दिखता है गाइस सांगोला में। ये सर्कल का नज़ारा यहाँ पे मार्केट एरिया वगैरह आप लोग देख सकते हो मेरे बैक साइड में ओवरऑल। और इस साइड है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू गाइस। ये वाला सर्कल है पंडित जवाहरलाल नेहरू चौक। ये कुछ नज़ारा इस तरीके से दिखता है गाइस। यहाँ मेरे बैक साइड पे आप लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्टैचू देख सकते हो। ये सड़क सांगोला की बस स्टैंड की ओर जाती है। और यहाँ पर है मार्केट एरिया। और इसी चौक में यहाँ पर साइड में सांगोला नगर परिषद है गाइस, उसको देखते हैं गाइस। ये कुछ ओवरऑल नज़ारा इस तरीके से है, आप मेरे बैक साइड देख सकते हो। तो ये चौक से हम लोग सीधे इस वाले सड़क से जब आते हैं तो सांगोला नगर परिषद यहाँ से दिखाई देती है गाइस। और ये मेरे बैक साइड जो रोड है ये जाता है सांगोला के बस स्टैंड की ओर। तो यहाँ का कुछ नज़ारा ओवरऑल इस तरीके से है गाइस। और ये मेरे बैक साइड में जो दिख रहा है ये वाली बिल्डिंग है सांगोला नगर परिषद सांगोला। तो इसका कुछ ओवरऑल नज़ारा इस तरीके से है गाइस यहाँ पे। और ये सांगोला नगर परिषद है और यहाँ पे मार्केट है गाइस। गाइस सांगोला का मार्केट एरिया काफ़ी बड़ा है गाइस। आप लोग मेरे बैक साइड देख सकते हो। ये कुछ ओवरऑल शॉप का नज़ारा इस तरीके से आ रहा है। ये इस साइड भी शॉप है। काफ़ी बिग मार्केट है गाइस यहाँ पे सांगोला सिटी की। Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, 'cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. My fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance.
ये है सांगोला का रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सांगोला रेलवे स्टेशन है गाइस। तो अंदर से देखते हैं इसको। ये मेरे बैक साइड पे आपको सांगोला रेलवे स्टेशन का नज़ारा दिख रहा है गाइस। तो चलते हैं गाइस, अंदर से इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो बाय ट्रेन आप जब भी आते हो तो यहाँ पे कुछ नज़ारा इस तरीके से दिखेगा गाइस। ये यहाँ का एंट्रेंस का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, आप लोग देख सकते हो मेरे बैक साइड पे। ये ओवरऑल यहाँ का नज़ारा, ये बैक साइड टिकट काउंटर वगैरह है गाइस। और ये नज़ारा है यहाँ का रेलवे स्टेशन का गाइस। सांगोला का रेलवे स्टेशन कुछ इस तरीके से दिखता है गाइस। ओवरऑल बड़ा है गाइस, काफ़ी प्लेटफॉर्म वगैरह काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओवरऑल नज़ारा। ये जो रूट है ट्रैक वाला रूट, ये जाता है मिरज की ओर, और ये वाला रूट यहाँ से हम लोग कुर्डवाड़ी जंक्शन को ज्वाइंट होते हैं गाइस बाय ट्रेन। और इसी रूट पे हम लोग कोल्हापुर तक जा सकते हैं, और ये वाला रूट जाके कुर्डवाड़ी जंक्शन को ज्वाइंट होता है गाइस। तो कुछ ओवरऑल नज़ारा इस तरीके से है सांगोला रेलवे स्टेशन का गाइस। सांगोला फेमस है अनार के उत्पादन के लिए। तो कुछ यहाँ पे, ये मेरे बैक साइड आप लोग देख सकते हो, अनार के बॉक्स ऐसे रखे हुए हैं। और ये वाली जो ट्रेन है, ये है, इसका नाम है किसान ट्रेन। तो इस वाली ट्रेन में ये सारे गुड्स यहाँ से भरकर ये दिल्ली रवाना हो रहा है गाइस बाय ट्रेन। तो ये कुछ अनार के आप लोग देख सकते हो ऐसे बॉक्सेस है। तो ये पूरी ट्रेन अनार से फुल होकर यहाँ से दिल्ली की ओर जाएगी गाइस। तो इसको किसान ट्रेन ऐसे कहा जाता है। तो ये कुछ नज़ारा ओवरऑल ऐसे है गाइस। और सांगोला जो यहाँ का फेमस फ्रूट है, यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो अनार का है गाइस। तो ऐसे ट्रेन से बाहर की ओर दूर दूर तक, यहाँ से दिल्ली तक ये पूरे प्रोडक्ट जाते हैं गाइस, अनार वगैरह। तो ये कुछ नज़ारा इस तरीके से देख सकते हो आप मेरे बैक साइड पे। ये है किसान ट्रेन का नज़ारा गाइस। ये कुछ इस तरीके से किसान ट्रेन है गाइस यहाँ पे। हे गाइस, इट्स टाइम टू नाउ साइन आउट। आज का व्लॉग आपको कैसे लगा ये कमेंट करके बताइएगा गाइस। और मेरा चैनल हॉक ट्रैवलर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।